Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are discussing a more topic of BCom program. And in the last lecture video we will already discuss MSME और इसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज और इसके अंदर आगे डिस्कस करेंगे कि ये पार्ट बोलता क्या है. तो सबसे पहले जो MSME है वो लार्ज सेक्टर इंडिया में कवर करता है 14.2% शेयर, वो केवल यूपी में इसने कवर कर रखा है. और बाकी 14% एंटरप्राइज बोलेंगे तो वेस्ट बंगाल इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बेस देता है एमएसएमई को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, चाइना के बाद में, कि वो अपना जो स्कोप है अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह है उसको डेवलप कर सके. नाउ एमएसएमई इंडस्ट्री ऑफ इंडिया कौन कौन से सेक्टर के अंदर आती हैं और क्या क्या उनको गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, क्या क्या गवर्नमेंट उनकी तरफ से. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006, दैट इज इम्पॉर्टेंट एक्ट पता होना चाहिए आपको, सपोर्ट्स द एस्टैब्लिशमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई. एमएसएमई की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए जो गवर्नमेंट है वो कुछ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडीज देती है, क्वालिटी चेक फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपर्ट काउंसलिंग एंड कंसल्टेशन सर्विसेज. दे आर फर्दर इंसेंटिवाइज्ड थ्रू द फॉलोइंग वेज. और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट? कॉलेटरल फ्री लोन्स. कॉलेटरल इज द एडिशनल सिक्योरिटी, आप लिख सकते हो उसको, एडिशनल सिक्योरिटी लेती है. कई कई सारे केसेस के अंदर जो बैंक है वो एडिशनली आपसे कुछ कॉलेटरल रखवाती है, गिरवी रखवाती है. तो अगर आप एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए लोन लोगे तो वहाँ पे कॉलेटरल फ्री लोन्स मिलेंगे, इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम रहेगा और 50% सब्सिडी छूट मिलती है पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीलिंग वगैरह में. 1% की छूट मिलती है इंटरेस्ट रेट अगर ओवरड्राफ्ट का केस है. ओवरड्राफ्ट इज़ द नेगेटिव बैलेंस, है ना, आप बोल सकते हो नेगेटिव बैलेंस के बारे में. कंसेशन ऑफ पावर यूटिलिटी बिल्स, पावर यूटिलिटी बिल्स अगर आपके हैं और सप्लाईज वगैरह हैं तो उसमें भी कुछ छूट मिलेगी. एलिजिबिलिटी फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट, अगर आप पेमेंट, कोई भी पेमेंट वगैरह करनी है आपको तो उसके लिए, जैसे आपको पेमेंट करनी होगी ना इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, तो उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन मिलती है प्लस प्रोटेक्शन मिलती है. फिर फंड रिफंड ऑफ ISO सर्टिफिकेशन चार्जेस, अगर आप कोई भी चार्जेस वगैरह है तो फंड जो रिफंड वगैरह है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है. ना अगर मैं कुछ इंडस्ट्रीज की बात करूँ जिन्होंने MSME एंटरप्राइज की वजह से मेजर इन्वेस्टमेंट देखी है, मेजर इन्वेस्टमेंट, तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, अगर मोबाइल फ़ोन, हैंडसेट और डिवाइसेस की बात करो, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम, नेटवर्किंग सर्विस एंड इक्विपमेंट. इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, बस ये है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखी गई है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में, इन इंडस्ट्री में. तो आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ले लो या मोबाइल इंडस्ट्री लो या होटल डेवलपमेंट, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसी, फूड एंड रिक्रिएशन, मेडिकल इंडस्ट्री देखो, तो इसके अंदर डेवलपमेंट देखी गई है. नेक्स्ट इज डिजिटल इंडस्ट्री की बात करूँ तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लो कॉस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लो कॉस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, और ये सब नाम है डिजिटल इंडस्ट्रीज में जिन्होंने हाई इन्वेस्टमेंट देखी है, हाई इन्वेस्टमेंट वाले एरियाज हैं किसमें, MSMEs में. नाउ अगर मैं आगे बात करूँ तो मेजर स्कीम है जो कुछ सपोर्ट देती है MSME को, बढ़ावा देती हैं, तो इन स्कीम्स को आप स्किप करके नहीं जाना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. रीज़न बीइंग कि या तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट आर द मेजर स्कीम्स टू सपोर्ट MSME डायरेक्ट फॉरवर्ड, अदरवाइज दे कैन आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नाबार्ड, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स, मुद्रा एंड अदर एटसेट्रा स्कीम्स, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो मुद्रा की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, द माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी. इसका काम क्या होता है, इन्होंने जो लोन की है ना तीन कैटेगरी बना दी है, एक तो माइक्रो, एक आ गया आपका स्मॉल और एक आ गया आपका लोन मीडियम.
माइक्रो स्मॉल मीडियम, इनका काम क्या है? माइक्रो में कब तक का लोन आ गया? 50,000 से कम कम, यहाँ पे आ गया 50 से लेके 5 लाख तक का लोन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको इस सेक्टर में जाना पड़ेगा, और अगर मीडियम के लिए करना है तो 5 लाख से 10 लाख के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या है, कोई भी आपको एनी कोलेटरल टू अवेल दिस लोन विदाउट एनी कोलेटरल, कुछ भी एडिशनल देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका रीज़न क्या है कि आप MSME में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। द माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी अ फ्लैगशिप स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा हुई थी, देखो लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फंड टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, किसको? माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को, ताकि वो क्या कर सके, वो लोन इजीली अवेल करा सके। 3 मॉड्यूल्स के बारे में मैंने डिस्कस करा दिया, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये इंडस्ट्री जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्री जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए, एलाइड एग्रीकल्चर सर्विस के लिए लोन प्रोवाइड करती है। नाउ नाबार्ड की बात करूँ तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका मेन एम क्या है, क्रेडिट बेनिफिट्स प्रोवाइड करना स्पेशली फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज़, क्योंकि इसके वर्ड जो फुल फॉर्म है उसमें ही मेंशन है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, और ये जो स्कीम है वो ना केवल एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, लेकिन अगर आपको फूड प्रोसेसिंग चाहिए, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड आपको लोन या क्रेडिट फैसिलिटीज़ चाहिए, वेयर हाउसिंग की, सीड्स एंड प्लांट, फार्म मैकेनिक्स, ये सब भी अवेलेबल कराता है नाबार्ड। नाबार्ड वर्क इंटीग्रेशन विद द RBI टू इम्प्लीमेंट एंड रेगुलेट फाइनेंशियल असिस्टेंस। नाबार्ड किसके साथ काम करता है? RBI, ताकि वो रूरल एरियाज में अच्छी खासी डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सके। नाउ थर्ड, अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो एक सेकेंड, इसमें कलर चेंज करते हैं, वेट, ये वाला। क्रेडिट गारंटी स्कीम्स की अगर मैं बात करूँ तो फुल फॉर्म CGTMSE, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर MSME, तो आएगा ही ना, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। क्या है इसका मेन काम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है बिजनेस लोन। ये ज़्यादातर क्रेडिट्स वगैरह के लिए, ये जितनी भी स्कीम्स है, क्रेडिट्स प्रोवाइड करना या लोन प्रोवाइड करना, क्रेडिट्स नहीं, क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद क्या है, ज़ीरो कोलेटरल, अगेन ये एनी हाउ इज रिलेटेड टू, ये जो आपने अभी ऊपर स्कीम पढ़ी थी, मुद्रा पढ़ी थी, ये भी क्या कह रहा था, ये कह रहा था प्रोवाइड फंड्स और जिसका जो कोलेटरल है वो विदाउट एनी कोलेटरल। ऐसे ही ये भी प्रोवाइड करता है ज़ीरो कोलेटरल, और दिस मीन्स दैट न्यू एंड अपकमिंग स्टार्टअप्स कैन अवेल लोन एट हाईली सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम कीमत पे और ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नाउ अगर मैं आगे बात करूं तो इसमें क्या है, ये सिडबी वर्किंग, ये सिडबी के साथ भी काम करता है। सिडबी क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1990 में आई थी, और इसका जो मेन काम था, प्रोवाइड अमाउंट ऑफ अप टू 100 लाख, 100 लाख तक इसके अंदर प्रोवाइड करती है लोन वगैरह के लिए स्कीम। प्राइमरीली फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिस लोन कैन बी अवेल्ड, सॉरी, दिस लोन कैन बी अवेल्ड इन द फॉर्म्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स डे टू डे की रिक्वायरमेंट के लिए, डे टू डे की रिक्वायरमेंट के लिए लोगों को मनी की ज़रूरत पड़ती है, और मनी वो कहाँ से रेज कर सकते हैं, तो वो क्रेडिट गारंटी स्कीम्स के अंदर अपने लोन के लिए एप्लीकेशन भेज सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये तो लोगों ने, सबने अच्छे से देखा ही है कि ये किस किस स्कीम के बारे में बात करती है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च्ड कब हुई थी, 2016 में हुई थी। दिस स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड टू कैटर वुमेन एंटरप्रेनर्स एज वेल एज क्रिएट एंटरप्रेनर अपॉर्चुनिटीज टू मेम्बर ऑफ SC ST कम्युनिटीज। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, SC ST और वुमेन एंटरप्राइज के लिए बेसिकली ये स्कीम थी, और इसमें क्या था, 10 लाख से लेके 100 लाख तक का लोन के लिए अवेलेबल करा सकते हैं, रेंज करा सकते हैं, और वो किसके पर्पस के लिए, या तो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस यूनिट के लिए होना चाहिए,
और द स्कीम मैंडेट एवरी बैंक, ये जो स्कीम है वो हर बैंक को, एवरी बैंक टू लेंड मनी टू एटलीस्ट वुमेन एंटरप्रेनर, या तो एक जिस जिसको भी मान लो एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री इसके इस स्कीम के अंदर आना चाहती है, तो उस इंडस्ट्री के अंदर या तो एक वुमेन एंटरप्रेनर होना चाहिए जिसको लोन की ज़रूरत है, या तो एंड वन एससी एसटी मेंबर पर ब्रांच, उसके अंदर एक वुमेन एंटरप्रेनर और एक जो एससी एसटी मेंबर होना चाहिए। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल बिजनेस द वुमेन एंटरप्रेनर मस्ट होल्ड एटलीस्ट 51% स्टेक इन द यूनिट। लेकिन अगर एक मान लो वैसा बिजनेस है, इंडिविजुअल बिजनेस है, इंडिविजुअल मीन्स जिसमें लोग कम होते हैं, स्मॉल एंटरप्रेनर्स बोल सकते हो, तो उसके अंदर एक फीमेल होनी चाहिए और एक एससी एसटी मेंबर होना चाहिए पर ब्रांच। पर ब्रांच ए इंडस्ट्री है, इसकी काफ़ी सारी ब्रांच खुली हुई हैं एक्स वाई जेड पी, तो ये हर एक ब्रांच के अंदर क्या होना चाहिए, एक वुमेन कैंडिडेट होना चाहिए और एक एससी एसटी का मेंबर होना चाहिए। इसमें भी ऐसी होगा, सेम ऐसी प्रोसीजर। लेकिन अगर नॉन इंडिविजुअल बिजनेस है, मतलब बहुत बड़ी फर्म है, तो 50% स्टेक होल्डर कौन होना चाहिए, वुमेन एंटरप्रेनर। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्या याद रखोगे इसके अंदर, सबसे पहले तो ये एससी एसटी वुमेन की डेवलपमेंट के लिए थी। अगर इंडिविजुअल होगा तो पर ब्रांच एक वुमेन और एक एससी एसटी मेंबर होना चाहिए, और अगर नॉन इंडिविजुअल बिजनेस है तो वुमेन एंटरप्रेनर का होल्ड कितना होना चाहिए, 51% स्टेक होना चाहिए, नंबर वन चीज़। और अगर मैं आगे बात करूँ तो उसमें कितने के लिए अप्लाई कर सकते हो, 10 लाख से लेकर 100 लाख के लिए लोन आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ न्यू जनरेशन IEDC कब लॉन्च हुई थी, 2017 में लॉन्च हुई थी। द न्यू जनरेशन इनोवेशन एंड एंटरप्रेनर डेवलपमेंट सेंटर कार्टर टू एंटरप्रेनर्स इन इंडस्ट्री, ये किसके लिए है, हेल्थ केयर सर्विस, केमिकल, हार्डवेयर, ऑर्नोटिक्स, ITARVR, कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन, फूड बीवरेज, ये सब के लिए है। इट प्रोवाइड वन टाइम अप टू 25 लाख तक का लोन ये अवेलेबल कराती है। न्यू जनरेशन IEDC में क्या याद रखना है, 2017 में आई थी। पर्पस क्या था इसका, पर्पस था ये इन सब इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए थी, केमिकल, हार्डवेयर, IT, फूड बीवरेज वगैरह के लिए। और लोन की अमाउंट कब तक के लिए अप्लाई कर सकते थे, अप टू 25 लाख। ये शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाते चलो ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिक्कत ना हो। नाउ AIC की बात करूँ तो फुल फॉर्म ऑपरेशनल ब्रांच ऑफ अटल इनोवेशन मिशन द अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स AIC, एड ऑफ ₹10 करोड़ फॉर अ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स, ये एड प्रोवाइड करती है। एड इज लाइक अ लोन आप बोल सकते हो, फाइनेंशियल एड, जिसकी मतलब इतनी वो नहीं होती, इंटरेस्ट वगैरह इतना नहीं होता। फाइनेंशियल एड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस टू डिफरेंट स्टार्टअप्स इन सेक्टर लाइक केमिकल, IT, हेल्थ केयर, डिज़ाइन एंड सर्विस। AIC प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म देती है टू मीट अप, ऑफर्स अ स्टेक टू कंडक्ट ट्रेनिंग एंड एंटरप्रेनर वर्कशॉप फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंस्पिरेशनल प्रोग्राम्स वाइल इनेबलिंग एक्सेस टू नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो AIC की फुल फॉर्म दैट इज अटल इंक्यूबेशन सेंटर। नेक्स्ट इज इसका ऑपरेशनल ब्रांच है अटल मिशन, अटल इनोवेशन मिशन, ये याद रखना है। इसमें एड प्रोवाइड करते हैं 10 करोड़ तक की, और जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है वो 5 साल तक का लोन मिल सकता है इसमें। और ये किस किस के लिए एड प्रोवाइड करते हैं ये, और एक और चीज़ जो कि इसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी लोग अपनी मर्जी से उसके अंदर वॉलेंटरीली शामिल होना चाहें तो वो भी हो सकते हैं। नेक्स्ट की बात करूँ तो दैट इज CLCSS। CLCSS क्या कहते हैं, अंडर MSME द क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम इज अ मीन्स टू इनकरेज एंटरप्राइज टू बाय द लेटेस्ट इक्विपमेंट। क्या होता है कि कभी कभी बिजनेस स्टार्ट करना होता है और वी नीड लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट मशीनरी की या इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि मैं बिजनेस को फुलफिल कर सकूँ, बिजनेस को फ्लरिश कर सकूँ, लेकिन वो नहीं होती। तो ये CLCSS स्पेशली
ये क्रेडिट स्कीम है ताकि लोग जो इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए या टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन के लिए लोन लेना चाहते हैं तो वो इसके अंदर आ सकते हैं। CLCSS एम टू प्रोवाइड, ये सब्सिडी भी देता है ताकि आप मैन्युफैक्चरिंग कर सको अच्छे मॉडर्न और एफिशिएंट इक्विपमेंट से। इस स्कीम में अंडर द स्कीम एनी SSI यूनिट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट विच हैज़ अपग्रेडेड इट्स मशीनरी एंड कैन अप्लाई फॉर 15% सब्सिडी, 15% की छूट मिल सकती है 1 करोड़ पे। 1 करोड़ पे अगर 15% की मिलेगी तो आप अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ही, अराउंड 15 लाख समथिंग का क्या हो जाएगा, इसके अंदर आपको बेनिफिट मिल जाएगा इसका। स्माइल ये क्या है, ये सॉफ्ट लोन फंड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये भी लोन के लिए है। MSME यूनिट्स एट रीजनेबल टर्म टू मीट द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ अ यूनिट और टू हेल्प इन इट्स ग्रोथ। द लोन इज एप्लीकेबल, लोन कब तक अप्लाई होता है, 3 ईयर्स तक के लिए आप लोन के लिए अप्लाई एप्लीकेशन भेज सकते हैं और SIDBI स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ लोन फॉर रूफ टॉप सोलर PV पावर प्रोजेक्ट्स, ये क्या है, एक इनिशिएटिव है सस्टेनेबल एनर्जी को बनाने के लिए और ये है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी प्रोवाइड करती है। ये क्या कह रही है, स्मॉल इंटरप्राइज को हेल्प्स एंटरप्राइज इंस्टॉल सोलर प्लांट ताकि लोग लगा सकें। IREDA प्रोवाइड करती है 70% एक्सटेंडिंग टू 75% बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, 70 से 75% की सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है ताकि लोग जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह है वो सोलर प्लांट वगैरह का यूज़ कर सकें। वाइल द एंटरप्रेनर विल कंट्रीब्यूटिंग रिमेनिंग 30% ऑफ द अमाउंट, अगर 70% सब्सिडी वो दे रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ 30% जो बचा हुआ रिमेनिंग है उसको कंट्रीब्यूट करना है उस इंडस्ट्री को। नाउ एम सिप्स द मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेजिंग स्कीम, एम सिप प्रोवाइड कैपिटल सब्सिडीज टू मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इन सेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी हार्डवेयर, क्या है ये, पहले तो इसकी फुल फॉर्म हो गई इम्पॉर्टेंट। ये क्या प्रोवाइड करता है, कैपिटल सब्सिडीज कौन से सेक्टर्स में, टेक्नोलॉजी हार्डवेयर ऑटोमोबाइल रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। और ये जो स्कीम है वो 20% कैपिटल सब्सिडी देती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, लिख लो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, और नॉन जो नॉन स्पेशल स्पेशल इकोनॉमिक जोन है फॉर बिजनेस यूनिट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एक तो एम सिप्स की फुल फॉर्म, कितनी परसेंट सब्सिडी देती है, 20% किसको देती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, और ये किस सेक्टर्स में काम करती है, हार्डवेयर ऑटोमोटिव रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल इंडस्ट्री। नाउ अब इम्पॉर्टेंट एक मॉडल के ऊपर बात करेंगे, दैट इज ब्रिक क्लिक एंड ब्रिक एंड क्लिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ब्रिक अलग है क्लिक अलग है एंड ब्रिक एंड क्लिक अलग है एंड क्लिक, ठीक है। तो अलग अलग के बारे में डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटिफुल कंपेरिजन चार्ट। नाउ बेसिस क्या है, लोकेशन, देखो ब्रिक एंड मॉर्टल फिजिकल स्टोर, मतलब ये ऑफलाइन की बात करता है, क्लिक मॉडल क्या बात करता है, ऑनलाइन की बात करता है। ब्रिक और क्लिक मॉडल इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ टू, दैट इज दे टॉक अबाउट फिजिकल एज वेल एज ऑनलाइन। नाउ पेमेंट का मोड, अगर मे और मे नॉट हैव ऑनलाइन कैशलेस मोड ऑफ पेमेंट, देखो इसके अंदर कैशलेस हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि आजकल ऑफलाइन भी आप लोग कैशलेस की बात करते हैं, मे और नॉट हैव कैश पेमेंट इसके अंदर भी, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन और कैश दोनों पेमेंट अवेलेबल है, तो इसके अंदर ये ज़्यादातर कैश को ज़्यादा इम्फेसाइज करेगा, ये ज़्यादातर ऑनलाइन को इम्फेसाइज करेगा, बट द ब्रिक एंड क्लिक मॉडल इम्फेसाइज ऑन बोथ द ऑनलाइन एज वेल एज द कैश पेमेंट। ये फिजिकली प्रेजेंट होता है, ये ऑनलाइन प्रेजेंट होता है, ये ओमनी प्रेजेंस फॉर लार्ज कवरेज, ओमनी प्रेजेंस मीन्स द थिंग दैट इज एवरीवेयर, जो कि ऑल अराउंड अवेलेबल है। नाउ मार्केटिंग की बात करूँ तो मार्केट ओनली थ्रू फिजिकल चैनल्स, यहाँ पे मार्केट फिजिकल चैनल्स के थ्रू हो सकती है, मार्केट ऑनलाइन होगी, मार्केटिंग कैन बी डन थ्रू मल्टीपल ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। तो समझ पा रहे हो, जो ब्रिक मॉडल है दैट टॉक्स अबाउट द फिजिकल प्रेजेंस एंड द क्लिक मॉडल टॉक्स अबाउट
द ऑनलाइन मॉडल एंड ब्रेक एंड क्लिक मॉडल टॉक्स अबाउट बोथ द फिजिकल एज वेल एज द ऑनलाइन मोड. फिक्स्ड एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, इसमें फिक्स्ड और ऑपरेशनल एक्सपेंस नहीं होंगे. इसके अंदर फिक्स्ड एंड ऑपरेशनल एक्सपेंस अलॉन्ग विद वेबसाइट, क्योंकि ये दोनों के बारे में बात करता है. इसमें फिक्स्ड और ऑपरेशनल एक्सपेंस होंगे, इसमें नहीं होंगे, और इसके अंदर दोनों. कस्टमर कैन बी अटेंडेड टू एंड रिलेशनशिप कैन बी बिल्ट. इसमें कस्टमर को अटेंड किया जाता है, उससे बातचीत की जाती है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, और देखा जाता है कि कस्टमर की नीड क्या है. एक्चुअल में अगर एक प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो बी प्रोडक्ट के साथ बात करने की कोशिश की जाती है. जबकि लिटिल स्कोप ऑफ कस्टमर कंज्यूमर अटेंशन होता है, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड की बात करते हैं. कस्टमर कैन बी अटेंडेड, अटेंड भी किया जाता है, और रिलेशनशिप को भी बिल्ड किया जाता है, क्योंकि दोनों मोड की बात करते हैं. ब्रिक एंड मॉर्टर ऑर्गेनाइजेशन में ये आपको सारा का सारा वही बताएगा, ठीक है. एडवांटेजेस क्या है, पर्सनल सेलिंग एक्सपीरियंस बताता है, कस्टमर बाइंग एक्सपीरियंस. तो आप ये सारे के सारे पॉइंट ब्रिक में लिख सकते हो. फिर उसके नुकसान क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि ये फिजिकल प्रेजेंस में आता है, ठीक है. तो इसलिए आपका जो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट रहते हैं. ब्रिक एंड क्लिक के अंदर दोनों आ जाते हैं, दोनों के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस लिख सकते हो. क्लिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर फायदे की बात करो तो इकोनॉमिक्स ऑफ सेल होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन मोड की बात करते हैं. लार्ज मास मीडिया को आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है. कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए वाइड कवरेज हो सकता है. कॉस्ट कम होगा, क्योंकि पर कस्टमर जो आपकी कॉस्ट लगेगी वो कम लगेगी. 24/7 सर्विस आप अवेलेबल कर सकते हो, ऑनलाइन है, क्योंकि पेमेंट का चॉइस होता है आपको, ओवरहेड कॉस्ट कम लगती है. तो ये फायदे हैं. नुकसान क्या क्या है, टेक्नोलॉजी इलिटरेट, जिस लोगों को ऑनलाइन वगैरह ऐप की नहीं आदत है वो इससे दूर रहते हैं. प्राइवेसी का कंसर्न हो जाता है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी आती है ऑनलाइन, जो आपके पास ऑप्शन आते हैं पेमेंट वगैरह के लिए. पर्सनल टच से दूर रहते हो, रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होता. कनेक्टिविटी एंड एक्सेस टू इंटरनेट, कभी कभी कनेक्टिविटी लूज होने की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है कस्टमर को. ना अगर समरी की बात करूँ तो हमने क्या पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के बारे में. वी देन मूव टू माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया. फिर हमने स्कीम्स के बारे में पढ़ा बहुत सारी, एक एक करके डिटेल में. देन मैंने क्लिक ऑनलाइन, ब्रिक ऑफलाइन, और ब्रिक एंड क्लिक दैट इज ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, दोनों की बात कर ली. और होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि इस चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या डिस्कस किया. चलो अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे. तब तक स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छे अच्छे से शेयर करो पूरा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह टाइम टू टाइम मिलती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी.